स्वच्छता ही सेवा, इसी संकल्प के साथ इस बार स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन मुंबई कार्यालय में किया गया। इसी क्रम में बहुत सारे प्रतियोगिताएं कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जुहू बीच स्थित स्थान पे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में एक क्लीनिनेस ड्राइव का आयोजन किया। कम से कम 250 से ज्यादा हमारे सहभागियों ने एवं उनके परिवार के सदस्यों ने, जिसमें वृद्ध, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग शामिल थे, सबने मिलकर इसमें हिस्सा लिया। क्योंकि इसका नेतृत्व स्वयं हमारे सीएम जी साहब कर रहे थे, सारे लोगों ने इसमें बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। क्योंकि 1 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था, जिसके एक दिन पहले ही गणेश विसर्जन का कार्यक्रम, आप जैसा आप सब लोग जानते हैं, मुंबई में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, वहां पर बीच पर हुआ था। बट हमारे आश्चर्य की बात यह थी कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता इसी से पता चल रही थी कि बीएमसी ने भी काफी हद तक बीच को सफाई युक्त कर दिया था, काफी क्लीन था बीच। उसके बावजूद चूंकि जुहू बीच एक बहुत ही प्रचलित स्थान है मुंबई में, जहां पर बहुत से लोग प्रतिदिन आते हैं, तो वहां पर पूर्ण रूप से क्लीनिनेस होना ये संभव नहीं रहता है। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरी तरह से बीच की सफाई की। उसके उपरांत जब बीच की सफाई के बाद जब हमने उस दृश्य को देखा, तो हम लोगों ने अपने ऊपर बहुत गर्व की अनुभूति की। और सबको संबोधित करते हुए सीएमडी साहब ने ये सब लोगों से आग्रह किया कि ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम न करके इसको हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। इसी संकल्प के साथ उस कार्यक्रम को हमने समाप्त किया। उसके उपरांत लोगों में इसलिए उत्साह ज्यादा था क्योंकि जब आप किसी भी कार्यालय के उच्च अधिकारी इस तरह के ड्राइव में शामिल होते हैं, तो एक अलग ही मोटिवेशन लेवल लोगों को प्राप्त होता है। हम सब लोग इससे काफी प्रफुल्लित हैं, हम सब लोग इससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हैं। और हमने ये संकल्प किया है, साथ ही अपने कार्यालय के विभिन्न वर्टिकल्स में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने अपने कस्टमर्स को भी अप्रोच करके उनको भी इस स्वच्छता ना कि सिर्फ पखवाड़ा, बल्कि उनको उनसे आग्रह किया कि वो भी इसको अपना एक अभिन्न अंग बनाए। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन से एज एन इंस्टीट्यूशन हमको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, और इस तरह से हम अपनी कार्यकुशलता भी को भी हम बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।